फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हम तिखुर के पौधे के पास खड़े हैं। ये पौधा जो है आप 4 से 5 फीट तक ये जाता है। इसका जो है आप पत्ती देखें, ये जैसे ये पत्ती आप देखें, ये करीब करीब जो है हल्दी का जो पत्ती होता है, हल्दी गांठ का, वैसे ही इसकी पत्तियां होती हैं। थोड़ा पीली हो जाती हैं बाद में हल्दी पत्ते की तरह, और थोड़ी उससे साइज़ में पत्तियां छोटी होती हैं। ये तिखुर जो है मार्च से अप्रैल में ये हर जगह रोपा जाता है, इसको लगाया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में जो है इसका फल तैयार हो जाता है। इसमें जो है ये देखिए झाड़ जैसा होता है ये, इसको आप पहचान लें। तिखुर बड़ा ही बल और वीर्य वर्धक है। ये जो है रक्त विकार को दूर करने वाला है, रक्त में पित्त को नाश करने वाला है, पित्त बहुत शमन करता है। ये महिलाओं के लिए बहुत ही गुणकारी है और पुरुषों के भी मूत्र विकार को दूर करता है। महिलाओं में खासकर जो एक रोग प्रदर वाली समस्या होती है, वो प्रदर रोग को साफ करता है। ये बहुत ही अच्छा गुणकारी है, और इसमें ये आप जान लें कि ये लीवर को भी साफ़ करके पाचन तंत्र को सही करता है, रुचि ख़त्म करता है। ये देखें नीचे कंद होती है इसकी, यही छोटे छोटे कंद दिखाई दे रहे हैं। अब मैं नीचे खोद रहा हूँ इसके, आप देखेंगे नीचे जो है बड़ा कंद मिल सकता है। ये देखें एक कंद दिखाई दे गया, दूसरा ये दिखाई दे दिया, ये देखें एक बड़ा कंद जो है ये निकला, ये मिट्टी लगा हुआ है। ये हम नीचे से ये कंद निकाल लिए, ये यहाँ रख रहे हैं, और भी हम ढूंढ रहे हैं। ये देखें ये दूसरा कंद जो है इस झाड़ में ये मिल गया, ये इसी कंद का जो है ये तिखुर तैयार होता है। ये छोटे छोटे कंद भी हैं, ये जो छोटे कंद हैं ये बीज के काम में आते हैं, ये पुनः जो है लगाए जा सकते हैं। ये हमारे रामदास और महेश प्रसाद बीज भंडार वाले हैं, उनके यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा। हमारे जो व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं वो हमसे ये जो है आप प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क, और ये बहुत ही बल और वीर्य कारक है, बहुत ही शक्तिकारक है, वीर्यवर्धक है, ये बहुत ही ताकत देने वाला है। ये जो है आपको वंश लोचन के अभाव में इसका इस्तेमाल होता है। ये देखें नीचे से मैं निकाल रहा हूँ, ये थोड़ा नीचे है, ये देखें ये आप देख रहे हैं, ये मैं हाथ डाल के, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ये देखें क्या अच्छी साइज निकल गई। ये देख रहे हैं ये पौधा निकल रहा था ऊपर, ये पत्तियां होती हैं इसमें और अंदर जड़े होते हैं, इसको साफ़ किया जाता है। 3-4 निकाल लिया हमने, और भी अब इसका सीजन देखें आप, जो है ये पौधे सहित निकल गया। जोड़ना है तो गमले वाला दिखाते हैं कि देखिए गमले में लगा। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी सफाई करने जा रहे हैं। आप तो बगीचे से तोड़ते हुए तो देखे ही थे, अब ये सब है तिखुर, अब इसकी हम सफाई करेंगे। ये सब जितनी जड़ें हैं इस सबको हम कट कट के हटाएंगे, इस सारे को हम कट करेंगे। और हाँ ये देखिए ये सब जो पत्ते हैं ये सब तिखुर के, ये सब हम इसको हटा देंगे 1 by 1 करके। ये सब जो सारे रेशे हैं इसको से पहले हम हटाएंगे सारे। ध्यान से देखिएगा, देखिए सब सारे ग्रीन पोर्शन है इसको सब हम हटा रहे हैं। ये सब हम साफ करने के बाद इसको हम मिक्सी में पीसेंगे भी। देखिए इसको हमने सफाई कर दिया, ये साफ हो गया। अब दूसरी को ले रहे हैं,
ये सब जो छिलके हैं ये इसको अच्छे से छील कर इसको फिर धोएंगे हम अच्छे से। हाँ देखिए इसको भी हमने क्लीन कर दिया, बहुत से छोटे छोटे भी हैं, इन सबों को हम पहले अच्छे से छील लेंगे। थोड़ा टाइम लगते हैं, अब बाज़ार के जो मिलते हैं वो असली होते नहीं हैं, सब अरारोट के बनाकर दे देते हैं और कहते हैं कि तीखुर है, वो तो अपने यहाँ बगीचे में है तो पता पड़ता है कि कौन असली है कौन नकली है। लेकिन ये भी क्लीन हो गया, इसे भी हटा देते हैं। क्लीन करने के बाद अच्छे से इसको पानी से धोएंगे भी, ये छोटी छोटी है। ये तीखुर एक तरह का जड़ है, ये भी क्लीन हो गया। इसी तरह जितने भी हैं सारे हम क्लीन करेंगे। अच्छे से क्लीन करना होगा। हाँ देखिए इसको भी हमने क्लीन कर दिया, बहुत से छोटे छोटे भी हैं, इन सबों को हम पहले अच्छे से छील लेंगे। थोड़ा टाइम लगते हैं, अब बाज़ार के जो मिलते हैं वो असली होते नहीं हैं, सब अरारोट के बनाकर दे देते हैं और कहते हैं कि तीखुर है, वो तो अपने यहाँ बगीचे में है तो पता पड़ता है कि कौन असली है कौन नकली है। लेकिन ये भी क्लीन हो गया, इसे भी हटा देते हैं। क्लीन करने के बाद अच्छे से इसको पानी से धोएंगे भी, ये छोटी छोटी है। ये तीखुर एक तरह का जड़ है, ये भी क्लीन हो गया। इसी तरह जितने भी हैं सारे हम क्लीन करेंगे। अच्छे से क्लीन करना होगा। हाँ देखिए इसे हमने अब कट कर लिया है, धो के इसको काट लिया है इसके टुकड़ों में और इसको हमने मिक्सी में डाल लिया है। अब इसे हम पीसेंगे।
पीसना है। अब पीस कर इसको धोना है। हाँ देखिए, अब यह पीसने के बाद ऐसा हो गया है, इसमें रेसे रेसे आ गए हैं। अब इसको हमको मलना होगा, ऐसे ऐसे हम इसको मलेंगे तो इसमें से दूध दूध टाइप का निकल रहा है, इसका वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल रहा है। इसको पहले खूब मलेंगे हम। ऐसा पूरा रेसे रेसे ही है केवल। देखिए वाइट वाइट पूरा इसका दूध निकल रहा है इसमें से, इस रेसे से। इसको सारा रेसे से दूध जैसा पानी निकालने के बाद इसको हम छन्नी में छानेंगे। वो उतना सारा दिखाई दे रहा था ना, अभी ये छन के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए इसको हम अब छान रहे हैं, इसको छान के फिर हम थिराने के लिए छोड़ देंगे तो ये तीखुर अपने आप नीचे बैठ जाएगा। ये अपने आप है ये नीचे बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तब ऊपर का पानी इसको हम फिर से फेंक देंगे और फिर दूसरा पानी डालेंगे। इसी तरह दो पानी इसको धोने के बाद फिर तीसरा बार ये पानी एकदम नीचे बैठ जाएगा, तीखुर यानी नीचे बैठ जाएगा, तब वो उसको हम इस्तेमाल करेंगे खीर बनाने में। हाँ अब देखिए ये तीखुर बैठ गया है, ये तीखुर बैठ गया है। अब उसमें से हम अच्छे वाले इसमें से दो चम्मच निकाल लिए हैं, इसका चम्मच निकाल लिए हैं। अब हमें खीर बनाना है तो हमने दो गिलास दूध लिया है, उसमें से हमने एक गिलास दूध सुखा दिया है। अब केवल एक गिलास दूध बचा हुआ है, अब ये गाढ़ा हो गया है दूध। अब इसमें हम ये तीखुर ये डालेंगे, डाल के इसको चलाते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ इसको हमने रोक दिया तो ये जमना चालू हो जाएगा। इसे हमें चलाते जाना, हिलाते जाना है इसे। हमें खीर बनाने के लिए हमने पहले से दो गिलास दूध लिया था और एक गिलास हमने दूध इसमें सुखा दिया, तब इसे हमने तीखुर को मिक्स किया है। तीखुर खोलते दूध में ही डालना है, ठंडे दूध में नहीं डालना है। दूध डाल तीखुर डालते के साथ दूध को हिलाते रहना है, रोकना नहीं है, नहीं तो नीचे जम जाएगा, जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा फिर खीर। देखिए डालते के साथ ये रबड़ी टाइप का होने लगा। ये इसी तरह 5 मिनट तक हमें धीमी आंच पे पकाना है। पक जाने के बाद देखिए हमारा ये रबड़ी तैयार होने लगा है। ये इसको रबड़ी बोल रहे हैं पर ये तीखुर का खीर है। ये ज़्यादातर हम लोग के इधर जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल के भोग के लिए बनता है ये। अब हम इसमें स्वाद अनुसार, ये गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम स्वाद अनुसार चीनी डाल देंगे। आपको जितना मीठा चाहिए आप उतना मीठा डाल सकते हैं। हम इसमें बड़े चम्मच से केवल 2 चम्मच ही डालेंगे, ये 1 चम्मच, ये रहा 2 चम्मच, थोड़ा सा और डाल दे रहे। ये थोड़ा बॉयल आएगा, चीनी थोड़ा पक जाए, ये बहुत टेस्टी लगता है ये, और हेल्दी भी है बहुत।
फ़ायदेमंद भी है, ये आँतों की सफाई करता है। जिस किसी लेडीज को लिकोरिया का प्रॉब्लम है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। हाँ देखिए, अब हमारा ये तीखुर का खीर बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं। अब ये जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये खाने के लिए तैयार है ये। अब इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।